211 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, इसको यूनाइटेड नेशंस ऑफ फुटबॉल भी कहा जाता है। लेकिन 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 जैसे कि हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन का होना उतना ही आम बात है जितना दिल्ली की हवा में प्रदूषण, वैसे ही फीफा में भी कुछ अलग नहीं था। इनफैक्ट फीफा में करप्शन नहीं बल्कि करप्शन में ही फीफा है। और ये सब उजागर होता है 2015 में, जब फीफा के सारे काले चिट्ठे खुलना चालू होते हैं। भले ही 2015 में ये उजागर हुआ हो, बट सवाल उठने तो 2010 के वर्ल्ड कप बिडिंग से ही चालू हो गए थे। एक ऐसी बिडिंग जिसने दुनिया में भूचाल सा ला दिया। वोट रिगिंग, ब्राइबरी, करप्शन, इन सब ने फीफा को घेर लिया। और ये सब हुआ क्यों? 2022 वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स कतर को मिलने से। बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन द वर्ल्ड, द 2022 फीफा वर्ल्ड कप। जिसने राइट्स जीते यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज को हराकर। इन धुआंधार कंट्रीज को ना मिलके एक छोटी सी नन्नी सी कंट्री जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़िए स्टेडियम्स तक नहीं थे, जो वर्ल्ड कप होस्ट करने के राइट्स तो छोड़ो बिडिंग राइट्स और पार्ट लेने के क्राइटेरिया तक फुलफिल नहीं कर पा रही थी, जहां का टेम्परेचर वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट को होस्ट करने के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था, जिसको बिडिंग जीतने के बाद वर्चुअली अपनी पूरी कंट्री को रिबिल्ड करना था, उसको वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट्स मिले कैसे? दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के पीछे हुई पॉलिटिक्स, करप्शन, पावर गेम्स को जानेंगे आज के एपिसोड में, जिसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कतर को। 1971 में कतर को ब्रिटिश राज से आजादी मिलती है। हेरिडेटरी मोनार्की को अपनाते हैं वो, जैसा कि मोस्टली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में होता है। अब तक कतर को अपने ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स के बारे में पता लग चुका था, थैंक्स टू द ब्रिटिशर्स। ऑयल और नेचुरल गैस को बेचकर कतर में पैसों की नदियां बहने लग जाती है। लोकल कतारीज कितने अमीर हैं इसका अंदाजा इस बात से ही आपको लग जाएगा कि जहां वर्ल्ड पर कैपिटल जीडीपी $11,000 है, वही कतारीज की पर कैपिटल जीडीपी है $50,000। आज की डेट में कतर की पॉपुलेशन है बस 30 लाख। यहां हमारे दिल्ली की ही अकेले पॉपुलेशन है 2 करोड़। अब इस 30 लाख में भी लोकल कतारीज सिर्फ 15% है। जी हाँ, बाकी के 85% है माइग्रेंट वर्कर्स। बात फिर वही उठकर आती है कि आखिर इतनी छोटी सी कंट्री को वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए इतनी क्या चुल थी कि उसने शाम, दाम, दंड, भेद सारे हथकंडे अपना लिए। सिंपल सा आंसर है, कतर को चाहिए था एक शॉर्टकट वर्ल्ड लेवल पर अपनी प्रेजेंस बनाने का। उनको ये समझ में आ गया था कि दुनिया बदल रही है, ऑयल और नेचुरल गैस पर अब लोगों की डिपेंडेंसी कम होने वाली है। उनको चाहिए था ऑल्टरनेटिव जो फ्यूचर में उन्हें सिक्योर कर सके, और वर्ल्ड कप से बेटर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है ग्लोबल लेवल पर अपनी प्रेजेंस बनाने का, एक जियोपॉलिटिकल सुप्रीमेसी स्थापित करने का। कतारी थे भी सही, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अराउंड 5 बिलियन टीवी व्यूअर्स, 1.5 मिलियन टूरिस्ट एंड अराउंड 17 बिलियन का टोटल रेवेन्यू होने का अंदेशा है। और वैसे भी अक्सर डिक्टेटर स्पोर्ट्स को एज अ प्रोपेगेंडा टूल यूज करते हैं, दुनिया को चमक दमक दिखाने के लिए, ताकि अंदर की सारी बुराइयां छुप सके। जैसा कि आपने रशिया में 2018 के वर्ल्ड कप के टाइम देखा, अर्जेंटीना के 1978 में देखा, और जर्मनी के 1936 ओलंपिक गेम्स में भी देखा। तो अब आते हैं असली स्टोरी पर कि वर्ल्ड मैप पर एक जिंदी जैसी कंट्री ने ऐसा क्या तिकड़म लगाया कि वो बिड जीत गई। देखिए, अंकल बेन ये तो बता के गए थे कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये बताना भूल गए कि विद ग्रेट मनी कम्स ग्रेट पावर एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट करप्शन। अगर सिर्फ 2 वर्ड्स में आपको बताएं तो कतर ने पैसे और इन्फ्लुएंस के बल पे पूरे वर्ल्ड कप को खरीद लिया, जिसको कई लोग बिगेस्ट करप्शन स्कैंडल भी कहते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि वर्ल्ड कप होस्ट नेशन को सेलेक्ट किया कैसे जाता है। सिंपल टर्म्स में अगर समझना है तो जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसी तरह फीफा के 6 कन्फेडरेशंस हैं। हर कन्फेडरेशन के अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। फीफा में टोटल 24 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, जो इन ही 6 कन्फेडरेशन से आते हैं, जिनके पास होते हैं वोटिंग राइट्स, और उससे वो चुनते हैं होस्ट नेशन को। जब 2010 में 2022 का होस्ट नेशन को चुना जाना था, तब टोटल 22 मेंबर्स ने वोट करे थे। 2 मेंबर्स बिडिंग से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि वो स्टिंग ऑपरेशन में अपने वोट को बेचते हुए पकड़े गए। सोचिए जिस प्रोसेस का आगाज ऐसा हुआ, उसका अंजाम क्या होगा। आगे की स्टोरी समझने के लिए आपको ये कुछ कैरेक्टर्स को जानना होगा। सबसे पहला और हमारा मेन कैरेक्टर है हसन अल थवादी, जो कतर के बिड कैंपेन लीडर थे 2010 में, और आज के डेट में कतर का 2022 का वर्ल्ड कप यही पूरा मैनेज कर रहे हैं। हमारे दूसरे कैरेक्टर है मोहम्मद बिन हमम, ये थे प्रेसिडेंट ऑफ AFC और ये एक एक्सको मेंबर भी थे, और साथ ही साथ ये थे कतारी सिटीजन। हमारी तीसरी मेन कैरेक्टर है फिद्रा अलमजीद, जिन्होंने कतर के साथ उनके 2022 वर्ल्ड कप बिडिंग प्रोसेस में काम किया और बाद में जाकर पूरे कांड की विसल ब्लोअर भी बनी। तो हुआ यूं कि 2010 में कतर को कोई भी सीरियस कंटेंडर नहीं समझ रहा था, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को प्राइम कंटेंडर्स माना जा रहा था, और वो थे भी, क्योंकि उनके पास थी सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए होती है एक होस्ट नेशन के लिए। थवाड़ी को ये बात तो समझ में आ गई कि घी सीधी उंगली से तो नहीं निकलेगी, उनको उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे दूसरे कैरेक्टर यानी कि मिस्टर हमम की। बिडिंग जीतने के लिए चाहिए थे 24 एक्सको मेंबर्स के वोट, और हमम वो इंसान थे जो सीधे इन 24 लोगों को जानते थे, इनकी रग रग से वाकिफ थे, खरीदो फसाओ वाली राजनीति का इन्होंने सहारा लिया।
हमम ने चाणक्य की नीति लगाते हुए थ्वाड़ी को पूरा समझा दिया कि कौन कैसे टूटेगा। पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद सबसे पहले थ्वाड़ी जाते हैं सीएएफ कॉन्फेडरेशन के 3 मेंबर्स के पास। बहुत ही प्यार से उनको बोलते हैं कि ब्रदर्स, $1 million तुमको देगा, तुम बस अपना वोट कतर को देना। ये सुनकर पहले तो सीएएफ मेंबर्स हंसते हैं, फिर बोलते हैं कि इतने में हमारा ईमान नहीं बिकता। थ्वाड़ी अपनी बोली बढ़ाते हैं और $1.5 million उनको ऑफर करते हैं। सुनते ही तीनों कतर को वोट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद थ्वाड़ी टाटा गुड बाय करके चले जाते हैं। जी बस इतनी ही आसानी, इतनी ही शॉर्ट और सिंपल स्टोरी में ये डील हो जाती है। ये पूरी स्टोरी फेदरा, जो उस रूम में एज अ ट्रांसलेटर मौजूद थी, उन्होंने बताई। चलो अभी तक तो फिर भी इंसानों के साथ डील हो रही थी, बाद में तो सीधे देश की सरकारों के साथ डीलिंग हुई। जब खुलासे होने चालू हुए तो पता चला कि हमम ने एक्सकॉम के ऑफिशियल्स या उनकी कंट्रीज जो एलिजिबल थी वोटिंग के लिए, उनके साथ ट्रेड डील्स डिस्कस करी थी। इसी के चलते थाईलैंड के साथ ऑयल डील सामने आई, जिसमें थाईलैंड को बहुत ही सस्ते रेट में कतर ऑयल देने जा रहा था। और टाइमिंग देखिए, ये डील हुई भी वोटिंग के कुछ ही दिन पहले। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि थाईलैंड का वोट किसको गया होगा। वहीं दूसरी तरफ कतर के अमीर ब्राजील जाते हैं, कुछ देर वहां सैर सपाटा करते हैं और फिर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला से मिलते हैं। दोनों के बीच बढ़िया डिस्कशन होता है और नॉर्मली हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच ये होता भी है। यहां तक तो सब नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन तभी खबर आती है कि कतर एयरवेज अब ब्राजील और अर्जेंटीना के लिए डेली फ्लाइट चालू करेगा और साथ ही साथ ब्राजील में इन्वेस्टमेंट्स भी करेगा। वाह, क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप। ऑब्वियस सी बात थी, कन्फेडरेशन के वोट्स कतर को ही गए। अब इन 6 कन्फेडरेशंस में सबसे पावरफुल कन्फेडरेशन है यूएफए, जिसमें टोटल 100 मेंबर्स हैं, जो बाकी सारे कन्फेडरेशंस में सबसे ज्यादा हैं। यूएफए कन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे प्लैटिनी, जो आते थे फ्रांस से। इनको काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि ये जिसको बोल देंगे यूरोपियन डेलीगेट सारे उसको ही वोट दे देंगे। फिर एक दिन न्यूज आती है प्लैटिनी, फ्रांस के प्रेसिडेंट सरकोजी और एमीर ऑफ कतार के बेटे की मीटिंग की। ठीक है भाई, मीटिंग ही तो थी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बस यहाँ पे फिर आपको एक क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। जैसे ही वोटिंग के नतीजे आते हैं और उसमें पता चलता है कि प्लैटिनी और यूएफए के बाकी मेंबर्स ने कतर को ही वोट दिया, उसके बाद तो मानो फ्रांस पर डील्स की बरसात हो गई। फ्रांस के एयरबस के साथ $1 billion डील्स, $7 billion की राफेल फाइटर जेट्स की डील, कतारीज स्टेट फंड पेरिस सेंट जर्मेन, जो कि पेरिस की मेन फुटबॉल क्लब है, उसको खरीद लेती है और दबा के उसमें पैसा लगाती है। बी इन, जो कि कतारी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर है, फ्रेंच फुटबॉल के टीवी राइट्स बहुत ही ऊंचे दावों में खरीद लेता है। यहाँ पे ये भी आप जान लें कि उस टाइम फ्रांस में काफी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। अभी ये फ्रांस के साथ डीलिंग्स की खबर आ ही रही थी, तब तक एक और खुलासा होता है और पता चलता है कि एक और एक्स को वोटिंग मेंबर ने कतर को लैंड बेची है 32 million euro की, जो कि आस्किंग प्राइस से बहुत ही ज्यादा ऊपर था। बस यही सारे हथकंडे कतर अपनाता है और 22 में से 14 एक्स को मेंबर्स के वोट उसे मिल जाते हैं। बाद में जब ये सारे खुलासे होते हैं तो आप सोचिए, 24 एक्स को मेंबर्स, जिसमें से 2 तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उनमें से 16 मेंबर्स या तो सस्पेंड, या तो घूस लेने के लिए अरेस्ट, या तो बैन हो चुके हैं। फीफा के प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर जो है तो फुल ऑन ग्रे कैरेक्टर, लेकिन वो इस पूरे कांड में बच जाते हैं। हालांकि जब ये सब खुलासे होते हैं तो वो इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। 2011 में हमम ब्लैटर की प्रेसिडेंसी को चैलेंज करते हैं, लेकिन बाद में घूस देते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं प्रेसिडेंसी के लिए वोट खरीदते हुए। अब यहाँ पे कतर के अमीर फिर से इंटरफेयर करते हैं और ब्लैटर के साथ डील करते हैं कि अगर वो कतर की बिडिंग प्रोसेस में चुप्पी साध लेंगे तो हमम प्रेसिडेंसी की रेस से अपना नाम विड्रॉ कर लेंगे। और होता भी यही है। फन फैक्ट, ब्लैटर जो फीफा के ग्रैंड ओल्ड मैन माने जाते हैं, उन पर 8 साल का बैन लग चुका है, लेकिन वो एक दूसरे कांड में। तो ऐसे कतर बिट तो जीत जाती है, लेकिन जिस कंट्री के पास बिडिंग के टाइम सिर्फ एक स्टेडियम था, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल नामो निशान नहीं था और सिर्फ 20 लाख की पॉपुलेशन थी, वो 12 साल में रेडी कैसी होती है 2022 के वर्ल्ड कप के लिए। तो कतर ने अपने आप को 12 साल में वर्ल्ड कप रेडी करने के लिए खर्च किए $229 billion और इसी के साथ ये बन गया सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप एवर। अगर आप लास्ट के 8 वर्ल्ड कप्स की कॉस्ट को जोड़ोगे तो आप पाओगे कि कतर ने ऑलरेडी उनकी कंबाइंड कॉस्ट से 4 गुना ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। अगर आपको एक डिफरेंस समझना है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रशिया ने 2018 के वर्ल्ड कप को होस्ट करने में खर्च किए थे अप्रॉक्सीमेटली $12 billion और ब्राज़ील ने 2014 में खर्च किए थे अप्रॉक्सीमेटली $15 billion। अगर देसी रेफरेंस में आपको ये समझना है तो अंबानी और अडानी की टोटल नेट वर्थ से भी ज़्यादा ये कॉस्ट है। तो कतर ने ये पैसा खर्च किया कहाँ पे? बेसिकली 2 चीज़ों में, स्टेडियम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। जब 2010 में कतर ने बिडिंग की थी तो उनके पास सिर्फ एक स्टेडियम अवेलेबल था। आज की डेट में उन्होंने नए 7 फुल्ली एयर कंडीशन स्टेडियम्स बना दिए हैं, मेट्रो लाइंस बनाई है, नया एयरपोर्ट बनाया है, सीरीज ऑफ रोड्स बनाई हैं और अप्रॉक्सीमेटली 100 नए होटल्स भी तैयार किए हैं फैंस के रहने के लिए। बट ये सब बनाना इतना आसान नहीं था। यहाँ तक कि जो घास फील्ड पे बिछाई जाती है वो तक कतर के पास अवेलेबल नहीं, और उनके टेम्परेचर में वो उगाना आसान भी नहीं था। इसके लिए उन्हें यूएसए स्पेसिफिकली ग्रास सीड्स को इम्पोर्ट करना पड़ गया। और 12 साल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कतर को चाहिए थे अप्रॉक्सीमेटली 30,000 फॉरेन लेबरर्स, जो उन्होंने हायर भी किए।
अब ये फॉरेन लेबरर्स मोस्टली थे बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और फिलीपींस से। यहां तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहां से। जैसा कि कोविड टाइम्स में हमने देखा था, माइग्रेंट वर्कर्स को सरकार से कोई तवज्जो नहीं मिलती, उसी प्रकार कतार ने भी अपने माइग्रेंट वर्कर्स को कोई भी भाव नहीं दिया। यहां तक कि माइग्रेंट वर्कर्स को बेसिक ह्यूमन राइट्स तक नहीं मिले। ऐसा बोला जाता है कि वहां के माइग्रेंट वर्कर्स को एज अ स्लेव्स रखा गया, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। और इस प्रॉब्लम के पीछे था कतर का खफाला सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर कतर के लोकल इंडिविजुअल्स और कंपनीज स्पॉन्सर्स करती है फॉरेन लेबरर्स को। वर्कर्स को इन स्पॉन्सर्स की परमिशन चाहिए होती है अपनी जॉब ट्रांसफर के लिए, एम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए या कंट्री में आने और जाने के लिए। इस सिस्टम को मॉडर्न डे स्लेवरी कहा जाता है। वर्कर्स का वाइड स्प्रेड शोषण हुआ, उनसे इलीगल रिक्रूटमेंट फीस ली गई, उनको पैसे नहीं दिए गए, उनके जो वेजेस थे वो उनको प्रोवाइड नहीं किए गए, उनको चोटें लगी, उनकी डेथ्स भी हुई। बेसिकली जैसा एक स्लेव के साथ होता था कि वो टोटली अपने एम्प्लॉयर की मर्सी पर रहता था, वैसे ही कतर में वर्कर्स के साथ हो रहा था। जब ग्लोबल लेवल पे इस चीज का खुलासा हुआ, कतर को कई सारे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, तब जाके नाम के लिए खफाला सिस्टम को बंद किया गया। अगर आप वर्कर से आज ही बात करो तो उनका यही कहना है कि ये सिर्फ पेपर पे खत्म हुआ है। आज भी उनके सारे पासपोर्ट उनके एम्प्लॉयर्स के पास ही हैं और उनकी इजाजत के बिना ना वो अपनी जॉब बदल सकते हैं और ना ही अपने घर वापस जा सकते हैं। अगर फरवरी 2021 की एक गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 6500 वर्कर्स हैं जिन्होंने कतर में अपनी जान गंवाई है। हालांकि कतर ने तो इससे पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कहा कि ये मिसलीडिंग है। कतर का कहना है कि ये जो वर्कर्स की डेथ हुई, ये बहुत सालों से कतर में रह रहे थे तो उनकी नेचुरल कॉजेज से डेथ हुई है। वहीं ILO ने कतर के स्टैंड को नकारा। उनका ये कहना है कि कतर हार्ट अटैक्स और रेस्पिरेटरी फेलियर को वर्क रिलेटेड डिजीज मानता ही नहीं है और ना ही ऑटोप्सी कराता है बॉडी की, और इस वजह से वो इसको वर्क रिलेटेड डेथ में काउंट ही नहीं करते। ILO की रिपोर्ट के हिसाब से 50 फॉरेन लेबरर्स की आज तक डेथ हुई है और मोर देन 500 वर सीरियसली इंजर्ड इन कतर इन 2021 अलोन। अराउंड 38,000 ऐसे लोग भी है जिन्होंने माइल्ड या मॉडरेट इंजरीज फेस करी है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। अब कहानी यहाँ आकर फंसती है कि एक ऐसा स्पोर्ट जो लोगों को यूनाइट करता है, जिसे सेलिब्रेट करते हुए लोग हर तरीके से अपनी खुशी का इजहार करते हैं, कतर जैसे कंजर्वेटिव देश में जहाँ होमोसेक्सुअलिटी तक इलीगल है और जिसकी सजा फाइन से लेकर 7 साल की पनिशमेंट तक हो सकती है, ऐसे देश में एक ऐसा मल्टीकल्चरल ओपन इवेंट क्या कंफर्टेबली हो पाएगा? खैर, कतर ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा है कि सारे लोग हमारी कंट्री में वेलकम्ड हैं और किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट फिर धीरे से बोला, लॉज ऑन होमोसेक्सुअलिटी विल नॉट चेंज एंड विजिटर्स शुड रिस्पेक्ट आवर कल्चर। वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी कतारी सिक्योरिटी फोर्सेस गे, लेस्बियन सिटीजन को अरेस्ट करती है, पर कतर ने इन एलिगेशन को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। अब कई ऐसे प्लेयर्स है जो LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं और वो अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित है। इंग्लैंड के कैप्टन और बाकी कैप्टन ने कहा है कि वो वन लव आर्म बैड्स लगाकर आएंगे और इस इशू पे आवाज उठाएंगे। अब कतर में सिर्फ एक यही समस्या नहीं है, दूसरी बड़ी समस्या जो कतर में है वो है वुमेन राइट्स को लेके। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार कतर के कानून वहां की महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा सख्त है। कतारी महिलाओं को कोई भी चीज करने से पहले मेल्स की परमिशन की जरूरत होती है, जैसे शादी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई, काम करना, अब्रॉड ट्रैवल करना और यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर एक्सेस करने में भी। अब जिस देश में मर्दों और पुलिस को औरत को दबाने की आदत है, वो यूफोरिक फैंस स्पेशली वुमन को कैसे ट्रीट करेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आई है वो है मैच के दौरान स्टेडियम में अल्कोहल को बैन कर देना। अब वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जहां बियर पीना पानी पीने जैसा है, वहां अल्कोहल बैन से सब जगह मायूसी छाई हुई है और सबसे ज्यादा फीफा में ही है, क्योंकि बडवाइजर के साथ उनकी $112 मिलियन की डील हुई थी जिसको अब भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। खैर, इन सारी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद भी कतर में वर्ल्ड कप तो हो ही रहा है और शुरुआत होते ही एक और एलिगेशन सामने आ चुका है। कतर ने अपने पहले ही मैच की अपोनेंट टीम इक्वाडोर को मैच हारने के लिए ब्राइब करने की कोशिश की है। अब समझ नहीं आ रहा है ये वर्ल्ड कप खेल ही क्यों रहा है, सीधे खरीद क्यों नहीं लेते। खैर, असली चुनौती कतर के सामने वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद होगी कि वो कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम को यूज में लाती है। ये सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं। 2014 वर्ल्ड कप के लिए ब्राजील ने जो स्टेडियम्स बनाए थे, आज उनका कोई भी यूज नहीं है और वो एज अ बस डिपो यूज हो रहे हैं। कतर का कहना है कि वो इसके बाद ग्लोबल कैपिटल ऑफ स्पोर्ट्स कहलाया जाना चाहते हैं और अब वो ओलंपिक के लिए भी बिड करेंगे। बट जितने कंट्रोवर्सी और करप्शन सामने आए हैं, ये थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। इस वर्ल्ड कप ने कतर की स्लेवरी और ह्यूमन राइट्स कंडीशन की पोल खोल दी है और जितने मास लेवल पे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है, वो उनकी राहें बहुत ही मुश्किल करने वाली है। लेकिन 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 जैसा महमूद जी कह गए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो आगे कुछ भी हो सकता है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।